सन 2010 के बाद जितनी भी लेटेस्ट मशीन आई है कैट कंपनी की दोस्तों, उसमें एक लीवर और देखने के लिए मिला है, ऑपरेटिंग की स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। क्यों होगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी डेंजरस प्लेस जैसे कि पहाड़ी या फिर मेन हाईवे रोड पे अगर मशीन को ड्राइव या ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को मैनुअल गियर लीवर का यूज करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कैटरपिलर कंपनी के व्हील लोडर्स में दो गियर लीवर क्यों दिए जाते हैं, क्यों कंपनी इनको देती है, और इन दोनों का यूज क्या है, और दोनों में डिफरेंट क्या है, और कौन सा गियर लीवर कौन से काम के यूज करने के लिए बनाया गया है? अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बने रहिएगा इस वीडियो में, डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी मशीन के गियर को सेफ कैसे रख सकते हैं, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज है हमारे पास कैट कंपनी का 950 HB लोडर, और इस मॉडल में 6 वेरिएंट आते हैं, और इस मॉडल का टॉप वेरिएंट है दोस्तों ये। चलिए केबिन के अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में गियर के बारे में। दोस्तों इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं मशीन के केबिन में, और लाइफ में अगर आपने कभी भी कैट कंपनी का नया या पुराना कोई भी व्हील लोडर चलाया, तो इस तरह का गियर लीवर जरूर आपको देखने के लिए मिला होगा, जिसमें 1 से लेकर 4 तक गियर नंबर लिखे रहते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों मैनुअल गियर लीवर। सन 2010 के बाद जितनी भी लेटेस्ट मशीन आई है कैट कंपनी की दोस्तों, उसमें एक लीवर और देखने के लिए मिला है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गियर स्विच। बेसिकली इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट वाली चीज नहीं है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉरवर्ड गियर लग जाएगा आगे करोगे तो, और सेंटर में न्यूट्रल, और यहाँ पे रिवर्स लग जाएगा। बेसिकली इसका भी बिल्कुल सेम काम है, लेकिन ऊपर से देखने में आप लोगों को एक डिफरेंट जरूर नजर आएगा। यहाँ से आप लोग गियर चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आप काम कर रहे हो, जोन सा आपके लिए बेहतर रहेगा गियर, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके काम कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्विच के साथ इसको ऑपरेट कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आप लोगों को गियर यहीं से चेंज करना होगा। और दोस्तों दोनों ही जो गियर लीवर है कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, और दोनों ही ऑटोमेटिकली वर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि कंपनी ने फिर दो लीवर क्यों दिए हैं, क्या रीजन क्या है इसका? मोस्टली इसके सबसे बड़े दो रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे जितनी भी हैवी इंप्लीमेंट मशीन बनाने वाली कंपनी है, वो अपनी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर और इजी बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मशीन का सिस्टम पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा लोग मशीन को खरीदें। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जितनी भी मशीन्स हैं आज के टाइम की, और जो पुरानी मशीन है, अगर उनके साथ हम कंपेयर करते हैं इनको, तो आप डबल काम करके भी उतने नहीं थकते हो जितने पुरानी मशीन में आधे टाइम में थक जाते थे। तो सिस्टम तो बहुत ईजी है। और दूसरे रीजन की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर लीवर इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग अपने अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग स्विच को यूज कर सको। बिकॉज जिस टाइम पे आप किसी डेंजरस प्लेस जैसे कि पहाड़ी या फिर मेन हाईवे रोड पे अगर मशीन को ड्राइव या ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को मैनुअल गियर लीवर का यूज करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस आपके हिसाब से फिर बेहतर रहेगी। अगर आप लोग लोडिंग का काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप लोगों को 5 से 10 सेकंड में रिवर्स से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से रिवर्स में गियर का यूज करना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ऑटोमेटिक गियर स्विच का सहारा लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, और आप लोगों की दोस्तों जो ऑपरेटिंग की स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो बेहतर होगी। क्यों होगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी इस टाइम पे जैसे आप यहां पे हाथ रखते हो, तो आपका जो अंगूठा है वो गियर स्विच पे आ जाता है, यहां से आप लोगों के लिए इजी हो जाता है गियर को चेंज करना। पहले क्या होता था, मैनुअल गियर लीवर से अगर अभी भी आप यूज करोगे, तो आपका जो स्टेयरिंग पे हाथ रहता है उसी से आपको गियर चेंज करना होगा, तो आप लोगों को तकलीफ होगी, बार बार गियर पे से हाथ हटाना पड़ेगा, स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग से गियर पे, इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो वहां पर आप लोगों की जो स्पीड की जो परफॉर्मेंस है या लोडिंग की परफॉर्मेंस है, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोडिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये वाला गियर लीवर यूज करना चाहिए, और डेंजरस प्लेस पे हो तो ये वाला कर सकते हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों कहीं भी आप मशीन को ऐसी जगह पे चढ़ा रहे हैं जहां पे नहीं चढ़ती, आप लोगों को लग रहा है कि मशीन यहां पे नहीं चढ़ेगी, दिक्कत आ सकती है, तो दोस्तों आप एक बार AC को बंद कर देना,
मशीन की, उसके बाद चलाना, आप लोगों को थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप इस फील्ड में बिगनर्स हो या नए आए हो, मशीन को सीखना भी स्टार्ट किया है या फिर चलाना स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि मैनुअल गियर लीवर से ही आप लोग चलाना इसको, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और मशीन के जो गियर सिस्टम है उसके लिए भी बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नए हो और ये वाला गियर यूज करते हो, स्विच यूज करते हो, तो ये थोड़ा सेंसिटिव है, हालांकि जल्दी से खराब नहीं होता है क्योंकि नंबर वन कंपनी की चीज है तो खराब नहीं होगी जल्दी से, लेकिन फिर भी ये सेंसिटिव है तो ये खराब हो सकता है और इसके साथ साथ आप लोगों का जो गियर सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग इजी आप लोगों के लिए और बेहतर यही रहेगा आप लोगों के और मशीन के लिए कि आप लोग नए हो तो ये वाला यूज करो। और हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो थोड़े से, आपने काम को लेके पुराने हो गए हो, तो दोस्तों आप ये वाला यूज करो, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी आएगी। रोड पे जिस टाइम पे हम मशीन को ऑपरेट या ड्राइव कर रहे हैं, तो दोस्तों उस टाइम पे आप लोग नोटिस करना, जिस टाइम पे आप लोगों ने गियर ऐसे लगाया हुआ है, अगर गलती से न्यूट्रल भी हो जाता है तो मशीन गियर को न्यूट्रल नहीं करती है, मशीन चलती रहती है गियर में और ऑटोमेटिक चेंज भी करती है गियर को और ऑटोमेटिक नीचे ऊपर गियर को करती रहती है, और आपको लेकिन एक सिग्नल जरूर दे देती है डिस्प्ले पे, आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाता है, यही फायदा होता है कंप्यूटर का। और दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी लोडिंग की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का, गियर सिस्टम का कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप बेहतर तरीके से थोड़े प्रोफेशनल और एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं। तो बस यार, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो इस फील्ड में बिगनर्स हैं, नए हैं, अभी मशीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन इजीली पता चल सके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।